तो अगर आप फ्री ई बुक्स और टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स को डाउनलोड कर लें। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट, पीजी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, बी इकोनॉमिक्स, एम इकोनॉमिक्स जैसे 250 से अधिक कोर्स मिलेंगे। अब आप अपने घर बैठे हमारे हार्ड कॉपी नोट्स भी मंगा सकते हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए जो एग्जाम होने वाले हैं उसकी टेंटेटिव डेट जारी कर दी गई है। तो प्रवक्ता की जो परीक्षा होगी उसका एग्जाम 6 अप्रैल को होना निश्चित हुआ है। हालांकि अभी ये डेट टेंटेटिव है, इसमें भी चेंज हो सकता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 6 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। तभी भी आप देखोगे तो लगभग आपका पास 6 महीने का करीब का एग्जाम होता है जिसमें आपका जनरल पेपर पूरी तरीके से आता है और जो भी स्टूडेंट स्क्रीनिंग को पास कर लेता है उसके बाद आपका मेंस एग्जाम होता है और मेंस एग्जाम के बेस पे ही मेरिट बनती है। तो देखिए, दो तरीके आप कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप स्क्रीनिंग की तैयारी करो और मेंस की तैयारी शुरू करो तब जब आपका रिजल्ट आ जाए। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो मेंस की तैयारी अभी कर देंगे और मैं स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए ये वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ जो कि मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि देखिए, कुछ लोगों के मन में डाउट होगा कि स्क्रीनिंग होगी कि नहीं होगी, तो भैया तैयारी मत करो, आप अभी पहले स्क्रीनिंग की तैयारी करो। क्योंकि जिसके मन में यही डाउट है कि उसकी स्क्रीनिंग पास होगा कि नहीं होगा, वो मेंस कैसे पास करेगा, क्योंकि तब तक कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मेंस की तैयारी भी कर लेंगे। तो मेंस की तैयारी देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको मेंस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर अप्रैल में एग्जाम होता है आपका प्री का, तो मेंस का एग्जाम जाके लगभग जून के करीब आसपास होगा। चलिए जुलाई में हो जाएगा, अगस्त में हो जाएगा, लेकिन अभी भी आपके पास 1 साल का समय है। अगर आप 1 साल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो आप यकीन कीजिएगा कि आपका एग्जाम पास होगा ही होगा। इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होगा। इंटरव्यू आपको कॉल, अगर इंटरव्यू इसमें होता है तो, वैसे तो मुझे लगता है इंटरव्यू इसमें होता नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ये सिलेक्शन आपका होगा। तो इसका मतलब है स्क्रीनिंग के बाद जो मेंस एग्जाम की तैयारी है वो मैं आपको बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ। अब इसमें जो हम जो सिलेबस कवर करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स का करेंगे, क्योंकि हमारा जो पूरी की पूरी क्लासेज है वो इकोनॉमिक्स बेस्ड है। हाँ, ये जरूर है कि हम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की अलग अलग क्लासेज चलाते हैं, तो आपका मीडियम कोई भी हो इसमें आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हालांकि उत्तराखंड में ज़्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम की तैयारी करते हैं, तो यूट्यूब पर जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो हिंदी मीडियम की ही करेंगे। जब तक हमारा हिंदी मीडियम की सारी वीडियो अपलोड नहीं हो जाती, उसके बाद इंग्लिश मीडियम की भी करेंगे। हालांकि हम इंग्लिश मीडियम की वीडियो जो है वो CUET PG के नाम से भी अपलोड कर रहे हैं, वो भी आप एक बार देख सकते हो। काफ़ी कुछ सिलेबस तो सेम ही होता है चाहे आप किसी चीज़ की तैयारी भी करो, लेकिन हम स्पेसिफिक यानी कि आपका जो सिलेबस है वो मैंने देखा हुआ है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद स्टैटिक्स आती है और इंडियन इकोनॉमी आती है। लेकिन जहां मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वहां पे गेम हो जाता है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी आ गई, पूरी की पूरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ओपन हो जाती है। हालांकि 2 चैप्टर वो देता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट, भुगतान शेष और विनिमय दर, लेकिन विनिमय दर को निर्धारित करने के कई तरीके होते हैं, भुगतान शेष के ऊपर भी कई तरीके के चैप्टर बनते हैं, तो वो सारे के सारे तरीके के चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसी तरीके से पब्लिक फाइनेंस है। अब देखिए, अगर हम 12th का सिलेबस लेके चलेंगे तो पब्लिक फाइनेंस में केवल बजट पढ़ना है, लेकिन पिछले सालों के एग्जाम में आपसे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस भी पूछे गए थे, इसलिए हमें पब्लिक फाइनेंस का भी बड़ा हिस्सा कवर करना पड़ेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका जो सिलेबस हम तैयार करा रहे हैं, यानी कि तैयार का मतलब हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड है, बस उनको हम एक बार अरेंज करेंगे, अपडेटेड करेंगे, जो जरूरत होगी वो ऐड करेंगे, जो जरूरत नहीं होगी उसको हटा देंगे। तो जो भी कोर्स हम अपडेट कर रहे हैं उसके अंदर आपको लेटेस्ट डेटा मिलेंगे, खासतौर पे इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, या जो भी कोई नए अपडेट होंगे वो रिलेटेड हम डेटा अपडेट करते रहेंगे वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज के लिए तो मैं आपको PDF फॉर्मेट कर दूंगा, आप जो भी क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज में आप सॉल्व कीजिएगा, जो आपसे डाउट सॉल्व ना हो मुझसे सॉल्व करा लीजिएगा। यानी कि कंप्लीट तरीके से आपको कोर्स कराने वाले हैं। 1 साल का समय दोस्तों आपके पास है, इसको आप अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझिए। 1 साल का समय बहुत होता है, हालांकि जिसको तैयारी करनी है उसके लिए तो बहुत है और जिसको तैयारी नहीं करनी उसको तो 1 साल का समय भी कम पड़ जाएगा। तो हमारी बात तो उन स्टूडेंट से हो रही है जो तैयारी करने वाले हैं। तो बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, ये सब भी कवर करने वाले हैं। इसके अलावा मनी बैंकिंग का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पूरे के पोर्स में कौन कौन से इकोनॉमिक्स के पोर्शन कवर होने वाले हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर होगा, पब्लिक फाइनेंस कवर होगा, मनी बैंकिंग यानी कि इसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोल सकते हैं वो कवर कराएंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कराएंगे, कुछ मॉडल भी कराएंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, ज़्यादा बड़े ज़्यादा डिटेल नहीं कराएंगे, थोड़े बहुत 1-2 मॉडल कराएंगे, जिससे कि अगर कोई मॉडल आपके एग्जाम में आ जाए ग्रोथ से रिलेटेड तो आप वो कर सको। स्टैटिक्स तो हम आपको पूरी कराएंगे, खासतौर पे UG लेवल या PG लेवल तक स्टैटिक्स आपको करा देंगे, और इंडियन इकोनॉमी तो कॉमन है, और इंडियन इकोनॉमी इतना बड़ा है दोस्तों कि इसे कभी कवर नहीं किया जा सकता।
तो इंडियन इकोनॉमी तो आप भी कवर करेंगे अपने हिसाब से, मैं भी आपको बहुत कुछ कवर करा दूंगा। इस हिसाब से देखोगे तो जबरदस्त तरीके से दोस्तों हम आपको कोर्स कराने वाले हैं। तो एक हमने कोर्स डिजाइन किया हुआ है, इसको आपको, ये बेसिकली इकोनॉमिक्स के उन स्टूडेंट के लिए जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, और मीडियम आपको इंग्लिश और हिंदी ही रहेगा। इसमें आपको अनलिमिटेड व्यू मिलेंगे को वीडियो में, यानी कि आपको इसकी जो वैलिडिटी है, हम देखिए एग्जाम पोस्टपोन हो ऐसा डर हमारे मन में भी है, तो हम क्या कर रहे हैं उसकी जो वैलिडिटी है वो अभी से कर रहे हैं 2025 दिसंबर। यानी कि एग्जाम अगर आपका कंप्लीट 2025 दिसंबर तक नहीं हुआ, मान लीजिए किसी वजह से नहीं हुआ, तो हम आपको 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी दे देंगे। एक्स्ट्रा वैलिडिटी यानी कि आपको कम से कम एक बार एग्जाम हो ये जरूरी है, ये हम मान के चल रहे हैं। और अगर आपका एग्जाम 2025 पहले खत्म हो गया तो दोस्तों कोर्स से आपको हटा देंगे, कोर्स तभी खत्म हो जाएगा। मतलब इस कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपका मेंस का एग्जाम हुआ, और चलो रिजल्ट तक का वेट कर लेंगे, कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम पोस्टपोन कोई वजह से एग्जाम होता है, उसके बाद दोबारा री एग्जाम कराना पड़ता है, तो कोई जल्दी नहीं है। मतलब दिसंबर 2025 तक तो आपका कोर्स रहेगा ही रहेगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ आपके कोर्स में। अगर किसी वजह से कोर्स एग्जाम आपका फिर से पोस्टपोन हो जाता है तो 6 महीने की आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी देंगे, और इस पूरे के पूरे कोर्स में आप जितनी बार चाहे वीडियो देख सकते हो, जितनी बार आपको डाउनलोड का ऑप्शन है, वीडियो डाउनलोड करने के बाद आप इंटरनेट बंद करके भी देख सकते हो, क्योंकि कई जगह पे इंटरनेट का इशू रहता है। तो एक साथ आप 10-15 वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके मोबाइल फोन में ही रहेंगी, आप वो देख लीजिएगा। इसके अलावा वेबसाइट भी है, वेबसाइट के माध्यम से भी आप हमारी वीडियो देख लोगे। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ हार्ड कॉपी मंगानी है तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम हार्ड कॉपी बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस पे स्टूडेंट के घर भी पहुंचवा रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसमें आपको दिक्कत आए। इसके अलावा प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज आपको देगी, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हम आपको काउंसलर भी देंगे जिससे कि आपके डाउट दूर हो सके। साथ ही साथ पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो भी होगा। तो अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, मान लीजिए कोई क्वेरी है आपकी, तो हमारा नंबर मैं यहाँ से डिलीट नीचे यहाँ लिख देता हूँ, 8595074500। इसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोर्स होने वाला है, और मैं आपको इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मेरा साथ आपको 100% मिलता रहेगा। आप बिंदास रहिए, आपका कोर्स आपका साथ नहीं छोड़ेगा। यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं कि इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी रह सकती है वो जून 2026 यानी कि 2 साल तक का। मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आपका एग्जाम अगर 2 साल तक भी होता है तो भी आपको ये कोर्स रहेगा। यानी कि ऐसा मत आप सोचिएगा कि कहीं ऐसा हो कि आपने कोर्स ले लिया और उसके बाद एग्जाम होना, एग्जाम तो आपका होगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा। यानी कि दिसंबर तक आपकी वैलिडिटी दिखेगी आपको, दिसंबर 2025 तक, और 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी उस केस में रहेगी जब आपका एग्जाम ना हो। अगर मान लीजिए एग्जाम पूरी तरीके से कैंसिल हो गया दोस्तों, उसमें तो मेरी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर एग्जाम होता है तो जब तक आपका एग्जाम पोस्टपोन होता रहेगा तब तक आपका ये कोर्स आपको मिलता रहेगा, ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से हमारी बात है। अगर मन में आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है, कुछ ऐसा हो जो आप जानना चाहो, वो हमें बताइएगा, जरा हम जरूर आपको आपकी मदद करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।